तो हेलो एवरीवन, आज के स्टूडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटोज़ क्लिक करवाना और फ़ोटो को एडिट करना किसे नहीं पसंद यार। सब अपने अपने अच्छे अच्छी फ़ोटोज़ निकालना चाहते हैं और उनको इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं, बट दिक्कत ये आती है, फ़ोटोज़ तो आप क्लिक करवा लेते हैं बट कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में दिक्कत आ जाती है, तो आप उनको करने जाते हैं चेंज। और आप मैनुअली करने जाते हैं और उसमें आप जानते हैं कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स दिखती है और वो कितना ज़्यादा अगली दिखता है देखने में। पर आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप अपने फ़ोटो के का पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्टली। तो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिलहाल तो मैंने अपनी ये फ़ोटो चूज़ कर ली है, ये मेरी फ़ोटो नहीं है, ये एक पेड़ की फ़ोटो है। अब ये मैंने यही क्यों चूज़ करी, क्योंकि ना ऐसी फ़ोटोज़ का बैकग्राउंड चेंज करना मतलब है ना इम्पॉसिबल सा ही होता है। देखो तो इतनी बारीकी से कौन बैकग्राउंड चेंज कर सकता है, बट मैं आपको ऑटोमेटिक करके बताऊंगा एक सेकेंड के अंदर। तो जो हमारी वेबसाइट है उस पर आपको इस फ़ोटो को अपलोड करना है बस। चलो पूरा प्रोसीजर तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। तो आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है, मैंने न्यू टैब कर लिया है, उसके बाद आपको लिखना है remove.bg। तो ऐसे ही आप सर्च करेंगे इसको, आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। देख सकते हैं इस वेबसाइट का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। अब इस वेबसाइट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड इमेज का, अब इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये वाली फ़ोटो अपलोड कर दी है और विद इन अ सेकेंड, देख सकते हैं आप, विद इन अ सेकेंड, बस जस्ट सेकेंड में आपकी फ़ोटो का पूरी तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। देख सकते हैं कितनी परफेक्टली इसने मतलब इसका काम किया है। तो आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे नीचे, एक डाउनलोड और एक डाउनलोड HD। तो आपको डाउनलोड पे ही क्लिक करना है, क्योंकि HD पे करेंगे तो आपको साइन अप करना पड़ेगा और आपको एक पॉइंट भी देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी फ़िलहाल मैं अभी आपको नॉर्मल डाउनलोड करके बता देता हूँ, वो भी HD है। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोड हो चुका है जो कि एक PNG है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप कितना क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है फिर तो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ PNG आप यहाँ पर मोबाइल में देख रहे हैं इसलिए आप ऐसा लग रहा है। अगर आप पिक्सार्ट या फिर किसी ऐप के अंदर इसको ऐप को एडिट करेंगे मतलब फ़ोटो को एडिट करेंगे तो नॉर्मल ही रहेगा, तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, नहीं तो आपके मन में डाउट रह जाएगा। तो पिक्सार्ट को हम ओपन कर लेते हैं। एंड हमने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट फोटो एंड देन हम एक बैकग्राउंड कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि PNG फिर बाद में पीछे नहीं हो पाएगा। तो ये हमने बैकग्राउंड ले लिया है, अब इसको थोड़ा सा हम क्रॉप कर लेते हैं। तो हमको पानी नहीं चाहिए, सिर्फ स्काई चाहिए, तो समुद्र हम इसमें से हटा देते हैं। एंड देन ऐड फोटो में जाकर हमारा PNG हम ऐड कर लेते हैं। तो वो देख सकते हैं ये रहा हमारा ट्री का PNG जो कि एकदम परफेक्ट है। देन ऐड, और देख सकते हैं आप एकदम परफेक्टली जो कि ये फ़ोटो उसने रिमूव किया था इसका बैकग्राउंड। तो इसमें कोई भी यहाँ पर आपको मिस्टेक तो नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे ही आप खुद का भी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।